हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 555 टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोचें। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस बात के लिए कि आज के लिए आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं, यूनिवर्स की तरफ से या उनकी तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। तो वो चीज़ आपके कनेक्शन के लिए क्या आ रही है देखने की कोशिश। तो काफ़ी हद तक कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेजेस निकल के आते हैं, तो कीप एन ओपन माइंड और दिल से सुनिए। Pay attention to red flags. Signs are cautioning you. और reconciliation. See, I think ये कल भी आया था क्या? Reconciliation. This could be the one. और ये है forgiving and learning. Bottom deck है Calling your soulmate, your prayers, affirmations, visualization help bring you together to calling your soulmate. मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि manifestation की energy है, जहाँ पे वो आपको telepathically connect होने की कोशिश कर रहे हैं। Chances of reconciliation बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट मेरे लिए तो 100% है, क्योंकि जिस तरह से इनकी energy चल रही है, जिस तरह से readings निकल रहे हैं, तो possible है। माना कि ये general reading है, collective है, but ऐसा लगता है कि जिनकी टाइम आ रही है रिकन्सिलेशन की, मिलने की, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये हो सकता है कि मिनी रियूनियन हो, बट कुछ भी है, छोटा ही हो, लेकिन होगा तो ज़रूर, बात होगी, जहाँ पे आप लोगों के जो मनमुटाव है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द प्रॉब्लम के सॉल्यूशन क्या है, वो चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। ये रिकन्सिलेशन सिर्फ मिलना नहीं है, ये रिकन्सिलेशन एक पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड की फीलिंग दे रहा है मुझे। यस, दिस कुड बी द वन, this could be the one you have already met romantic partner you see। तो ये जो person है ये आपके लिए ही बने हैं, उनको भी एहसास हो रहा है कि वो आपके लिए बने हैं, ये आप उनके लिए बने हैं, sorry। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, और forgiving, learning and attention to red flags ऐसा लग रहा है ना कि उनको कहीं ना कहीं ऐसा एहसास है कि कुछ लोग के लिए तो है कि कुछ रेड फ्लैग्स है, कि आपको ना साइन एंड सिम्टम मिल रहे हैं कि किसी पर्सन की तरफ से आपको कोई कम्युनिकेशन अगर रिसीव नहीं हो रहा है, तो पॉसिबल है कि ये पर्सन आपके लिए नहीं बनाए। बट ये चीज़ ना एनर्जी चेक करने के बाद ही पता चलती है कि एग्जैक्टली आपके सिचुएशन में क्या है, कि अगर कम्युनिकेशन रिसीव नहीं हो रहा है तो ऐसा क्या सिचुएशन है कि जिसके या तो है ही नहीं, या तो वो किसी चीज़ की वजह से नहीं हो रहा है। और फॉरगिव एंड लर्निंग ये मुझे बता रहा है ना, एज ए रिलीज एंड हील द पास्ट दैट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, आपको फॉरगिव थेरेपी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको अपनी दिल से बोझा निकालने की ज़रूरत है। ये इसकी वजह से ना कम्युनिकेशन जो ब्लॉक होके रखा है या एनर्जी ब्लॉक होके रखी है, तो वो चीज़ रिमूव होगी, और उनकी तरफ से कम्युनिकेशन सिर्फ नहीं होगा तो जो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन है ना, वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यस, आई मिस यू इवन यू आर इन द नेक्स्ट रूम। तो अगर आप अगले रूम में भी हो तभी भी आपको वो मिस करते हैं, लिटरली एक मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। You would do anything to make me happy. आप उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर जाते हो, तो वो चीज़ उनके अभी बहुत ज़्यादा एक एहसास दिला रहे कि you are the one for them. Your voice resonates deeply to my soul. तो मुझे लगता है कि यस, आपकी आवाज़ मिस कर रहे, आपको मिस कर रहे, आपकी आवाज़, आपकी आँखें, ऐसा लग रहा है बातें मिस कर रहे हैं। तो कॉल कम्युनिकेशन होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा है, करना तो चाहते हैं। यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। तो जब भी ज़रूरत होती है तो आप हमेशा उनके साथ रहते हो, आप पास रहते हो, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है उनको, या मतलब ऐसा कोई पर्सन है जिसके ऊपर आप काउंट कर सकते हैं, वो बहुत मायने रखता है।
यू से सिली एंड क्यूट थिंग्स टू मेक मी लाफ। आप ऐसे मजाक मजाक में ऐसी बातें कर लेते हो तो खुशी का माहौल बन जाता है, हंसी खुशी का। तो ये बहुत ज़रूरी होता है ना, बहुत ज़रूरी होता है कि आप किसी को दर्द तो आसानी से दे सकते हैं लेकिन खुशी मुश्किल से दे पाते हैं, और वो आपसे नेचुरली हो जाता है। आई सी योर फेस एवरी टाइम वेन आई क्लोज माई आइज। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जब भी वो अपनी आंखें बंद करते हैं तो आप ही का चेहरा नज़र आता है। तो आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू, आपके बगैर वो बिल्कुल खुश नहीं है। आई लव यू, आपसे बेहद प्यार करते हैं। यू सपोर्ट मी, आपने जो किया है ना उनके लिए, उस चीज़ का एहसास ज़्यादा हो रहा है, और इसीलिए तो आया ना दिस कुड बी द वन, कि उनको एहसास हो रहा है कि ये पर्सन मेरे लिए बना है। फैमिली इश्यूज है, कुछ प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी है, फैमिली हो सकता है, डिवाइन काउंटर पार्ट्स। उनको एहसास हो रहा है कि आप जैसे एक दूसरे के लिए बने हों, लिटरली ऑब्सेस्ड विथ यू एंड नो लिमिट फॉर माई लव टू यू। इनका प्यार का एहसास आपके लिए ऑब्सेशन है ना, गहराता जा रहा है दिन ब दिन, और रिकन्सिलेशन के चांसेस, कम्युनिकेशन होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि मैसेज आया कि नहीं है और रिकन्सिलेशन हुआ कि नहीं। तो ये दूसरों के लिए मोटिवेट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, किसी और नंबर के ऊपर, मेरा तो नहीं है एटलीस्ट, वो चीज़ है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिले हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।